हाय, हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पैसिफायर जो है काफ़ी लोग कॉमनली यूज़ करते हैं, वो आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं यूज़ करना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले आता है कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं। आजकल आपने देखा होगा काफ़ी बच्चे जो हैं स्पेशली टॉडलर्स हमेशा पैसिफायर लेके घूमते रहते हैं कुछ बच्चे। तो एक तो सिर्फ आपको हमेशा ये रेगुलरली यूज़ नहीं करना है, तो इसके सिर्फ बेनिफिट्स क्या हैं। अगर बच्चा बहुत ही ज़्यादा रो रहा है, स्पेशली बहुत ही छोटा बच्चा जो है, तो वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा है, तो आप यूज़ कर सकते हैं उस टाइम। या फिर जैसे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो पैसिफायर हेल्प कर सकता है। ट्रैवलिंग में बच्चे यूजुअली इरीटेट हो जाते हैं या फिर रोने लगते हैं फ्लाइट्स वगैरह में स्पेशली, तो उस टाइम के लिए ठीक है। और बाकी दूसरा क्या है, टीथिंग के टाइम जब बच्चों के दांत आते हैं तो उनको रहता है कि उनको कुछ चबाना है, तो उस टाइम के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट आपको एक हैबिट नहीं डालनी है। देन उसके अलावा और क्या बेनिफिट्स है, ये जो है देखा गया है कि सिड्स जो रहता है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, तो उससे भी ये बचाता है, क्योंकि ये बच्चा अगर पैसिफायर लेके सो जाता है तो उसका जो एयर वे है वो थोड़ा सा ओपन रहता है, तो जिसकी वजह से सिड्स के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसके मेन साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, एक तो बच्चा सबसे ज़्यादा जो है इसकी बच्चे को आदत हो जाती है, उसके बाद बहुत ही मुश्किल होता है कि इसको छुड़वाना कि पैसिफायर कैसे हटाएं। तो इसीलिए आपको आदत नहीं डालनी है। आप जब बच्चा बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल है, क्राई कर रहा है या आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप उस टाइम ही यूज़ करिए, बाकी टाइम आप मत यूज़ करिए। लगातार यूज़ करने से क्या होता है कि एक तो बच्चे के दांत का जो शेप है वो भी ख़राब हो सकता है। देन उसके अलावा अगर आपने पैसिफायर अच्छे से स्टरलाइज नहीं किया है तो उसकी वजह से बच्चे को इन्फेक्शन होने का चांसेस हो सकता है, जीआई इन्फेक्शन हो जाए या फिर ईयर इन्फेक्शन जो है बहुत ही कॉमनली देखा गया। और अगर आप जो है बहुत ही जल्दी पैसिफायर शुरू कर देते हैं, बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है, कुछ छोटे से बच्चा है, तो हो सकता है कि बच्चे को निप्पल कन्फ्यूज़न हो जाए। तो इसीलिए पहली बात तो है कि जितना अवॉइड कर सकते हैं पैसिफायर करिए, बट बहुत ही रेयरली केसेस में आप यूज़ भी कर सकते हैं, बट आपको इन सारी चीज़ों का प्रिकॉशंस जो हैं नेक्स्ट मैं बता रही हूँ, उन सारी चीज़ों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। अदरवाइज़ जो है पैसिफायर फ़ायदे से ज़्यादा आपको नुकसान पहुँचा सकता है। तो आप जितना कम से कम यूज़ करते हैं पैसिफायर वो अच्छा है, डे टाइम में अवॉइड करिए। देन जब भी आप यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉपरली वो स्टरलाइज होना चाहिए। और लोग क्या करते हैं कि एक ही पैसिफायर जो काफ़ी महीने पहले लिया था उसी को यूज़ करता रहता है बच्चा, तो उसको क्या है वो जो है हो सकता है कि टूट जाए या ख़राब हो जाए, तो उसको भी रिप्लेस करना उतना ही ज़रूरी है जैसे कि बोतल को रहता है या बाकी किसी भी चीज़ को रहता है। देन पैसिफायर क्या होता है, आजकल काफ़ी पैसिफायर आते हैं जिसके अंदर कुछ भरा हुआ है, तो वो सब मत लीजिए कि इन केस बच्चा जो है गलती से उसको रप्चर कर ले, तो वो ऐसा कोई भी पैसिफायर यूज़ नहीं करना है जो कि टूट सकता है या फिर जिसके अंदर कुछ लिक्विड है या कुछ जली है या कुछ कलरफुल जैसे आते हैं, वो सब यूज़ नहीं करना है। और जो है कभी भी पैसिफायर को आप बच्चे के गले में मत बांधिए। लोग क्या करते हैं पैसिफायर को बच्चे के गले में बांध देते हैं, वो सब मत करिए। एंड पैसिफायर पर जो है कभी भी आप हनी और ये सब शुगर वगैरह लगाएंगे तो ऑब्वियसली बच्चे को अच्छा लगेगा, तो बच्चे को और ज़्यादा आदत हो जाएगी, तो आप वो सब बिल्कुल भी मत लगा के दीजिए। और 4 वीक से पहले जो है आपको पैसिफायर बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग को एस्टेब्लिश होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर आप पहले देंगे तो निपल कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो उसके बाद भी काफ़ी केसेस में देखा गया है कि बच्चे फिर बीच में दूध पीना छोड़ देते हैं, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ पैसिफायर की वजह से है तो आप इमीडिएटली पैसिफायर को बंद कर दीजिए। देन कोशिश करिए कि 1 साल के बाद जो है बच्चे को पैसिफायर बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लंबे टाइम तक देंगे तो बाकी जो टीथिंग प्रॉब्लम है वो सब बहुत ही ज़्यादा होगा, इन्फेक्शन, और बच्चे की बहुत ही बुरी आदत पड़ जाती है। तो इसीलिए जो है आप बिल्कुल भी 1 साल के बाद तो आपको पैसिफायर बिल्कुल भी नहीं देना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बाय।